बिल्ड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो इस सब्जेक्ट का इशू है वो ये कि लोग समझते हैं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती है वो हम इसको पूरा नहीं कर पाते। अब डिमांड किस तरह होती है इसकी और किस तरह हम इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनके जो एलिमेंट्स ये हमसे डिमांड कर रहा है, जो मांग रहा है, उसको हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि 2016 में जो रिफॉर्म्स आए थे सिलेबस के अंदर, और थोड़ा सा इन्होंने पैटर्न चेंज किया था अपना, तो उसमें पहले 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट था और एक पेपर होता था इनका। उसके बाद इन्होंने इस पेपर को दो दो सब्जेक्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। मतलब सब्जेक्ट एक है लेकिन इसके पेपर्स दो होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 जो है इसमें सारे IR के थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जबकि जो पेपर 2 है इसमें पेपर 2 में सारे इवेंट्स होते हैं और हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ इस करंट अफेयर्स के जितने इश्यूज होते हैं वो इसमें ये कवर करता है। फैजान, कैमरा ऑफ कर दें यार। फैजान, कैमरा ऑफ कर दे। अच्छा, तो सबसे पहले जो हम इसका पार्ट देख, अब सिलेबस पे एक हम नज़र डाल लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पेपर 1 में जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन का, इसमें डेफिनेशन और स्कोप है IR का। उसके बाद नेशन स्टेट सिस्टम है, और तीसरे तीसरे नंबर पर है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, मतलब किस तरह इवॉल्व हुई है पूरी सोसाइटी हमारी, और ग्लोबल पॉलिटिक्स की, मतलब इससे पहले किस तरह पॉलिटिक्स चलती थी पूरी दुनिया में, जब ये एम्पायर्स का ज़माना होता था और ये कॉलोनीज होती थी वर्ल्ड वॉर से पहले, या वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, और किस तरह जैसे रोमन एम्पायर था। उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरह इवॉल्व हुई और इंटरनेशनल सोसाइटी किस तरह बनी। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है ये इसमें थ्योरीज और अप्रोचेज हैं, ये सारी हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है इसका, इसमें इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, पावर का कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ पावर है, फॉरेन पॉलिसी, सोवरेंटी, नेशनल इंटरेस्ट। अब ये सारे जो भी चीज़ आप देखेंगे ये 1 वर्ड टॉपिक है, मतलब कि अगर आप इसको एज अ सिलेबस देखें तो ये आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत ही डीप टॉपिक है अगर आप इसको जब पढ़ने बैठेंगे अच्छी बुक से, क्योंकि मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं CSS के हवाले से या IR के हवाले से, तो वो बिल्कुल टू द पॉइंट होती हैं, जो ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जो रेफर करते हैं, जिसमें वर्ल्ड टाइम्स है या इकराम रब्बानी साहब की एक बुक है IR की। अब उन बुक्स में मसला है कि वो सिलेबस को कवर करती हैं, लेकिन वो उन्होंने क्रक्स दिया हुआ है उस बुक में हर टॉपिक का। ट्रक से मुराद वो डिफरेंट सोर्सेस से उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स कलेक्ट करके एक बुक कंपाइल कर दी और वो मार्केट में दे दिए। अब लोग उसको पढ़ते हैं, उससे सिलेबस तो कवर हो जाता है लेकिन आर्ग्यूमेंट्स उस तरीके के बिल्ड नहीं हो पाते जो पेपर में ये डिमांड करता है, इसी वजह से ये मार्क्स नहीं देता सब्जेक्ट। स्कोर किस तरह करना है, मैं सबसे पहली चीज़ तो हमें समझ लेनी चाहिए, ये नाम से ही हमें जाहिर है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको कम्पीट करना है पूरे पाकिस्तान से, और मार्क्स आप जब ही ले सकते हैं जब आपकी कॉपी डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट अपनी कॉपी बनाने के लिए जाहिर सी बात है आपकी प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होनी चाहिए और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी डिफरेंट होना चाहिए, ताकि आप कॉम्पीट कर सकें और मार्क्स उससे ले सकें। इसके बाद वॉर का एक पूरा चैप्टर है, जिसमें इसने डिफरेंट काइंड्स की वॉर्स दी हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कल्चर है कि किस तरह जो भी कंट्री या स्टेट है वो अपनी पॉलिसी किन किन चीज़ों के ऊपर बनाता है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर फॉरेन पॉलिसी क्रिएट की जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें दुनिया में, तो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इकोनॉमी बेस्ड है, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनी फॉर्मुलेट कर रहा है। वो CPEC देख लें, आप वो देख लें, या जो भी पूरी दुनिया में इस तरह वो अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। जबकि पाकिस्तान की अगर हम फॉरेन पॉलिसी एग्जाम्पल देखें तो इंडियन सेंट्रिक है। पाकिस्तान हर वो स्टेप, जो भी स्टेप लेता है, अब वो इकोनॉमिक हो या मिलिट्री का हो, सबसे पहले अपने नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया को देखता है कि इंडिया क्या कर रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है वो एक आर्क राइवल्स हैं एक दूसरे के शुरू से ही।
ये एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो न्यूक्लियर डेटरेंस को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ये अपनी पॉलिसीज, खास तौर पाकिस्तान जो पॉलिसी अपनी बनाता है ये इंडियन सेंट्रिक होती है। अब ये फॉरेन पॉलिसी किस तरह बनती है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जरूरी होते हैं, ये जब हम इन सब्जेक्ट्स, इन टॉपिक्स की डिटेल में जाएंगे तो फिर वो देखेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक पूरा इन्होंने सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें मर्केंटाइलिज्म है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, ये हैं सारे वन वर्ड टॉपिक्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये जितना ज़्यादा आप डिटेल में जाएंगे, जितने ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स देंगे पेपर में, उतने ही ज़्यादा इसके मार्क्स गेन करेंगे, क्योंकि आप अगर पास्ट पेपर्स देखें तो वो आपसे डेफिनेशंस नहीं मांगते इन चीज़ों की, वो हमेशा पेपर में एक कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें से उठाएगा और उसको रिलेट कर देगा किसी भी इवेंट के साथ, फिर उसकी बुनियाद पर आपको अपने आर्गुमेंट्स बिल्ड करने होते हैं। और जब तक आप इस पेपर के अंदर एग्जांपल्स नहीं देंगे इवेंट्स की, हिस्ट्री से या करंट जो भी कंटेम्प्रेरी इशूज चल रहे हैं उनके एग्जांपल्स नहीं देंगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ कोटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप थ्योरी कोट कर रहे हो उसके प्रोपोनेंट्स होते हैं लाजमी। जैसे अगर आप रियलिज्म की बात कर रहे हो तो उसके कुछ प्रोपोनेंट्स होंगे, अगर आप लिबरलिज्म की बात कर रहे हो तो उसके कुछ प्रोपोनेंट्स होंगे, तो उनको कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस थ्योरी के ऊपर किस बंदे ने क्या बात की है। उससे क्या होता है कि आपका आर्ग्यूमेंट में जान पड़ जाती है और आप इजीली मार्क्स फेच कर सकते हैं। अब उसके बाद नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन, ये इसका सिक्स चैप्टर है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ये दिखने में बहुत ईजी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर व्यू है इन चीज़ों का, और जितना ज़्यादा आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये आपको उतना ही ज़्यादा फायदा देगा। क्योंकि 200 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसिडर ना करें, ये आपका कम से कम 400 से 500 मार्क्स में हेल्प करेगा, मतलब 4 से 5 सब्जेक्ट्स में आपको ये हेल्प करेगा। अब ऊपर तो आप देखने के IR था प्योर, बिल्कुल जो इसके जार्गन से या जो भी इसके डेफिनेशन वगैरह थी। इसके बाद नीचे आप देखें तो ये इंटरनेशनल लॉ वाला इसमें पूरा पोर्शन दे दिया इन्होंने, जिसमें डिप्लोमेसी है, जिस इंटरनेशनल लॉ है, और आर्म्स कंट्रोल का इन्होंने चैप्टर दिया हुआ है। अब आई लॉ का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको इसके पूरे चैप्टर मिल जाएंगे जो उन्होंने सिलेबस में दिए हुए, जिसमें डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरनेशनल लॉ तो खैर पूरा ही एक सब्जेक्ट, उसके बाद NPT या आर्म्स कंट्रोल का एक पूरा सेक्शन है, जिसमें यूज ऑफ फोर्स या पीसफुल एग्रीमेंट्स की सारी इसमें बात करते हैं, किस तरह न्यूक्लियर डेटरेंस होती है और किस तरह आर्म्स कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में भी कौन सी पॉलिसी चल रही है, जिसमें नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की जो एक टसल चल रही है न्यूक्लियर के ऊपर, या इंडिया पाकिस्तान की जो रिसेंट टेंशन चल रही थी, तो न्यूक्लियर डेटरेंस या आर्म कंट्रोल का क्या रोल है पीस मेकिंग में पूरी दुनिया में, या इन्हीं की वजह से किस तरह कोई दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है, तो इसमें ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें UN, IMF, वर्ल्ड बैंक और ICJ, ये सारी चीज़ें भी आपको इंटरनेशनल लॉ के सिलेबस में मिलेंगी। तो एक मतलब के मेजर जो इसका पोर्शन है वो आपका आई लॉ का इसमें कवर कर रहा है Part 1 में। अगर हम Part 2 का अगर आप सिलेबस देख लें तो इसमें Part 2 में ये हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें रशियन रेवोल्यूशन है, फासिज्म, लीग ऑफ नेशंस और वर्ल्ड वॉर्स, ये हिस्सा इसका हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा चैप्टर जो है ये कोल्ड वॉर का इसमें पूरा आ जाएगा। अब जो कोल्ड वॉर है इसमें डीकोलोनाइजेशन भी आ गई आपकी, उसके बाद फिर जो नई स्टेट्स बनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी, उसके बाद जो ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर था जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाइपोलर बन गया था, जिसमें एक यूनाइटेड स्टेट्स थी और दूसरी जो बड़ी पावर थी सोवियत यूनियन, इनके बीच में एक जंग छिड़ गई थी कि अब दुनिया को लीड कौन करेगा, तो ये काफ़ी अर्से तक एक वॉर चलती रही, जिसके बाद रशिया जो है डिसइंटीग्रेट हो गया था और कार्स बन गई थी स्टेट्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिनको हम कहते हैं, और फिर जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया तो फिर दुनिया में एक ही सुपर पावर बची थी US। तो पहले बाइपोलर हुआ ग्लोबल ऑर्डर, उसके बाद कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो यूनिपोलर हो गया, उसके बाद एक ही सुपर पावर बची थी अमेरिका,
90s वाली सेंचुरी में जब खत्म हुई, जब तक यूएस की हेजेमनी बरकरार रही, लेकिन अब 21st सेंचुरी में जो हम रिसेंट डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो चाइना की इमरजेंस हुई है, या रशिया अब दोबारा री इमर्ज हो रहा है खासतौर पर साउथ एशियन रीजन में, तो अब जो ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर है ये अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। मतलब अब इसमें बहुत सारी जो ग्लोबल पावर्स हैं वो बनती जा रही हैं, जिनका होल्ड हो रहा है पूरी दुनिया के ऊपर। वैसे अगर देखा जाए तो अभी भी यूएस है सुपर पावर, लेकिन अब चाइना का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है दुनिया के ऊपर, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर साउथ एशियन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन में। ये ओबर और सीपैक के ऊपर जो ये काम कर रहे हैं। चाइना की पॉलिसी हमेशा से इकोनॉमिक ही रही है, तो वो अब इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करते जा रहे हैं, दूसरे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके। अब मिसाल के तौर पर जैसे अभी श्रीलंका थी, अब अपनी कौन सी स्टेट थी जो जहाँ पे चाइना ने अपनी एक पोर्ट बनाई हुई थी, और श्रीलंका ने वहाँ पे उनको जो लोन लिया हुआ था वो पे नहीं कर पाए, तो चाइना ने उस जगह पे अपना कब्जा कर लिया, श्रीलंकन जो पोर्ट थी सी पोर्ट। तो ये चीज भी हम देख सकते हैं कि चाइना किस तरह अपनी अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा रहा है। यही केस पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। जैसे सीपैक है, ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर तो है, लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरे वाली बात भी बहुत ज्यादा। वो फिर जब हम सीपैक डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें हम देखेंगे कि इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स है। उसके बाद ये पूरा फोर्थ चैप्टर में लीग ऑफ नेशंस का आ गया, सॉरी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, लीग ऑफ नेशंस, यूएन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब अगर आप नेट पर या बुक में देखेंगे इन टॉपिक्स को, तो इसमें इनके सिर्फ फॉर्मुलेशन या ये किस तरह बने, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, ये चीज़ें नहीं देखनी, बल्कि आपको इसके इम्पैक्ट्स भी देने पड़ेंगे। मतलब ये बनी क्यों और क्या रीजंस थे। अब फॉर एग्जांपल, यूएन बनी थी लीग ऑफ नेशंस के फेलियर की वजह से। लीग ऑफ नेशंस फेल हुई थी इस वजह से यूनाइटेड नेशंस बनी थी, क्योंकि जब लीग ऑफ नेशंस फेल हुई उसके फौरन बाद वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई थी, और वर्ल्ड वॉर वन जब ख़त्म हुई थी उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी, ताकि कोई ऐसी दोबारा दुनिया में जंग ना हो। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई तो उससे लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई और वर्ल्ड वॉर टू दोबारा स्टार्ट हो गई। फिर जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनी दुनिया में पीस कायम करने के लिए और कोऑपरेशन स्टेट्स की एक दूसरे के साथ बनाने के लिए, और अभी तक ये इफेक्टिवली काम कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे जहाँ पर ये भी इनफेक्टिव हमें दिखाई देती है, जैसे फेलस्टीन इशू है या सीरियन क्राइसिस जो चल रहा है, या दुनिया में जहाँ भी दूसरे स्टेट्स, पावरफुल स्टेट्स, वीक स्टेट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो यूएन वहाँ पर हमें इनफेक्टिव दिखाई देता है। तो खैर, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसमें कवर करेंगे हम, और उसके बाद फिर ये सारे हमारे इशूज आ जाएंगे, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड रीजनल स्टेट्स अलॉन्ग विद द इशूज जो ये पाकिस्तान, ये ग्लोबल अभी इशूज हमारे मेजर चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अपनी नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, और जो भी दूसरे टेंशन चल रहे हैं ये सारे इसमें हमारे कवर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक चैप्टर दिया हुआ है वेपन्स ऑफ मास रिस्ट्रिक्शन का, जिसमें आपकी सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज आ जाएंगी, जो जो ट्रीटीज हुई हैं वेपन्स के हवाले से, या न्यूक्लियर ट्रीटीज, जिसमें NPT आ जाएगी और दूसरे NPT, NSG ग्रुप, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। तो ये बहुत ही एक पार्ट टू जो है, इसमें आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखेंगी, लेकिन इसको सिंपली कवर करने का तरीका ये है कि आपको इस तरह कवर करना है कि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में चीज़ें कवर ना करनी पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर करंट अफेयर्स का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी आपको ऑलमोस्ट यही चीज़ें मिलेंगी। तो अब मैं आपको पास्ट पेपर्स दिखा देता हूँ कि पास्ट पेपर्स में इन्होंने किस तरह ये क्वेश्चंस किए हुए और किस तरह इन्होंने रिलेट किया हुआ उन चीज़ों को। अब ये 2016 का पेपर है, जिसमें जब FPSC ने थोड़ी सी चेंजिंग लाई थी अपने सिलेबस के अंदर और पेपर्स के उसके अंदर, तो उसके बाद ये पहला पेपर था जो टू पार्ट्स में इन्होंने कंडक्ट किया था। तो ये पेपर वन है, जिसमें हमारी थ्योरीज वाला पोर्शन था सर। तो क्वेश्चन नंबर वन में आप देखें नेशनल पावर को इसने डिस्कस किया है। अच्छा, जो 16 वाला पेपर था ये इन्होंने बिल्कुल सिंपल दिया था, क्योंकि पहला साल था ऐसा चेंज लाने का, तो इन्होंने इतना कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं बनाया था। इन्होंने डायरेक्टली सीधी सीधी चीज़ें इसमें पूछी थी, जिसमें
पहले क्वेश्चन नेशनल पावर का इन्होंने पूछा था, इसमें सारे आपको इसमें सिर्फ इसके एलिमेंट्स बताने के, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो नेशनल पावर में कंसिडर किए जाते हैं, उसमें सॉफ्ट पावर भी आ जाएगी और हार्ड पावर भी आ जाएगी। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी के मेन गोल्स क्या होते हैं, किस तरह ये फॉर्मुलेट होती है, कौन से इसके फैक्टर्स होते हैं, इसमें ये चीज इसने डिस्कस की। उसके बाद सिक्योरिटी वाला चैप्टर में से इसने क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अंदाजा होगा अभी किस तरह रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसने सिक्योरिटी के हवाले से पहले बात की, ये सिक्योरिटी की क्या सिग्निफिकेंस है स्टेट्स में, और फिर उसके बाद इसने आपको ओपिनियन मांगा। अब जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि ये किसी भी इवेंट के साथ रिलेट करता है उस चीज को, तो उसके बाद ये स्टेट की सिक्योरिटी की इसने पहले बात की, फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात की, और फिर इसने कहा कि भाई टेररिज्म के साथ जो नए जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उससे क्या थ्रेट हो सकता है ह्यूमन सिक्योरिटी को, और किस तरह इससे हम जान छुड़ा सकते हैं। तो अब एक चीज तो ये हो गई कि आपको सिक्योरिटी के बारे में कम्प्लीटली आपको इसमें डिस्कस करना है, और उसके बाद जो आपका मेजर फोकस होगा वो सेकेंड पार्ट पर होगा, जो चैलेंजेस वाला सेक्शन है इसका। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ का इसने एक सवाल दिया, इसके सिग्निफिकेंस पूछी है, वॉर के लॉज और इसके एप्लीकेशंस। इसके बाद स्टेट पॉलिसी क्या है, इस तरह वॉर्स हुई के उनके क्या एलिमेंट्स थे, और लास्ट वाले में थ्योरीज। अब ये जो पेपर था इसमें इसने डायरेक्टली बिल्कुल इजीली या सिंपल तरीके से चीजें पूछी है, लेकिन जो 2017 वाला पेपर था इसमें थोड़ा सा इसने चेंज किया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब 2017 वाला जो पेपर था इसमें पहले क्वेश्चन में इसने वो टर्म पूछ ली जो इसने सिलेबस में नहीं दी हुई, जो लिबरल इंटरनेशनलिस्ट इसने टर्म यूज की वो सिलेबस में आपको नहीं मिलेगी, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पेपर में आपको जरूर नहीं कि जो सिलेबस है वो ही दे, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। यही यहाँ से ही फर्क पता चलता है कि आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी है, क्योंकि जो मार्केट में ज्यादातर लोग रेफर करते हैं वर्ल्ड टाइम्स की या दूसरी बुक्स, उसमें वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक का सिलेबस जो उन्होंने डिजाइन किया हुआ है टॉपिक्स, उसमें सिर्फ वो ही मिलेंगे जो सिलेबस में, हमें वो चीजें भी देखनी पड़ेंगी जो आउट ऑफ सिलेबस भी आपके पास आ सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में लिबरल इंटरनेशनलिस्ट टर्म थी, तो इससे काफी लोग परेशान हो गए थे क्या, और काफी लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया था कि ये क्या चीज है। अच्छा, एक पार्ट में इसने डिफरेंस पूछ लिया, उसके बाद उसने ओपिनियन लिया आपसे कि रियलिज्म जो है ये क्यों डोमिनेट करती है आईआर में, क्योंकि हमें पता है कि ये जो रियलिज्म थ्योरी है पूरी जो अभी दुनिया की पॉलिटिक्स चल रही है वो रियलिज्म थ्योरी पर ही चल रही है, जो भी ग्लोबल पावर्स हैं वो रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं और अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है स्टेट का उसको परसू करते हैं, सबसे जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टेट के अपने इंटरेस्ट हैं, फिर बाकी चीजें जो है वो बाद में आती हैं। प्राइमरी चीज स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और सेकेंडरी फिर दूसरी चीजें होती हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रियलिज्म का। तो इसमें इसने तीन चीजें आपसे पूछ ली, एक तो डिफरेंस पूछ लिया, उसके बाद ओपिनियन पूछ लिया कि रियलिज्म क्यों डोमिनेट करता है। उसके बाद इसने पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट डिबेट की बात कर दी, ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच थी जो सिलेबस से हटके इसने पूछा था। और अब जो मेजर डिफरेंस है 16 वाले पेपर में और 17 वाले पेपर में, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो वन लाइन क्वेश्चन था, 16 में ज्यादातर क्वेश्चन वन लाइन क्वेश्चन थे इसमें आप देख सकते हैं, और 17 वाले में कम से कम 3 लाइन्स का एक क्वेश्चन इसने दिया है, और 3 लाइन्स का मतलब कि हर क्वेश्चन में 3 से 4 आइडियाज इसने पूछे, तो उनको एड्रेस करने के लिए आपके आर्गुमेंट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप हर चीज को जस्टिफाई कर सकें एग्जांपल्स और रेफरेंसेस के साथ। उसके बाद इसने डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस का एक कॉन्सेप्ट से रिलेट करके एक डायरेक्ट एग्जांपल दे दी, जिसमें उस टाइम पे स्कॉटलैंड का एक इशू चल रहा था कि वो फ्रीडम मांग रहे थे और वहां पे रेफरेंडम चल रहा था, तो उससे रिलेट करते हुए इसने डायरेक्ट उसी की एग्जांपल दे दी कि अब जैसे हमने सिलेबस में देखा था नेशन स्टेट सिस्टम का, तो उसमें इसने यहाँ पर कहीं भी उसकी डेफिनेशन नहीं पूछी, यहाँ डायरेक्ट उसने उसकी एप्लीकेशन दे दी है कि किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ है इस सारे सिनेरियो के अंदर। तो जब तक इसके एग्जांपल्स नहीं देखेंगे और आपको रिलेट करना नहीं आता होगा तो आप मार्क्स गेन नहीं कर सकते। उसके बाद चाइना की इसने बात की,
अब जैसे बैलेंस ऑफ पावर की हम पहले बात कर रहे थे कि चाइना राइज हो रहा है दुनिया में इम्पोर्टेंट ग्लोबल पावर के तौर पे, इकोनॉमिक जायंट के तौर पे ये राइज हो रहा है, तो उसकी उसमें इसने रिलेट किया है बैलेंस ऑफ पावर के साथ कि किस तरह पावर को बैलेंस कर रहा है चाइना यूएस के साथ, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे वो काउंटर कर रहा है यूएस की पॉलिसीज और हेजमनी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, ये पूरी हुई बात इसने क्वेश्चन में दी हुई है। ये आप इसमें देख सकते हैं मल्टीप्लायरिटी की बात कर रहा है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की इसने बात की है, फिर कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स ऑफ पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस की बात की है, जो चेंजिंग डायनेमिक्स हैं दोनों स्टेट्स के। अब इसमें आपको रिलेट करना है यूएस के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने जो एग्जाम्पल दिए चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप की यूएस और इंडिया के साथ, तो इसमें ये देखना है कि हमें चेंजिंग डायनेमिक्स क्या आ रही है, क्योंकि हिस्ट्री से ही हमने देखा है कि पाकिस्तान यूएस का एली रहा है, लेकिन टाइमली जो इनके रिलेशनशिप थी वो कोई इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, कभी इनके अच्छे हो जाते थे तालुकात, कभी बुरे हो जाते थे, कभी खराब हो जाते थे। तो अब पाकिस्तान किस तरह अपनी पॉलिसी को चला रहा है और पाकिस्तान चाइना की जो टाइज अब बन रहे हैं उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है यूएस के ऊपर, और यूएस जाहिर सी बात है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को सपोर्ट कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान को काउंटर कर सके और डायरेक्टली चाइना को काउंटर कर सके साउथ एशियन रीजन के अंदर। तो ये सारी चीजें, सारे आइडियाज इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद इसने एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दे दी है नॉन स्टेट एक्टर जो है। तो ये सारी चीजें आपको जब समझ में आएंगी जब आप इसका सिलेबस और कॉन्टेंट को आराम से पढ़ेंगे। अब मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कि ये सारी हमें बुक्स कौन सी रेफर करनी है ताकि उसमें हमारे सारे एलिमेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो। तो सबसे पहली जो बुक है, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बुक है जो रेफर भी की हुई है सिलेबस में, और वो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये आप इसका नाम नोट कर लें, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जॉन बेलिस और स्टीव स्मिथ की बुक है। इसके साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड एक ये बुक है, और एक रॉबर्ट जैक्सन की है इंट्रोडक्शन टू आईआर थ्योरीज एंड अप्रोचेस। ये दो तीन बुक्स आपको पढ़नी है। अच्छा, तीनों बुक्स पढ़नी है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये तीनों बुक्स कंप्लीटली पढ़नी है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली इनमें से आप टॉपिक्स आपको सेलेक्ट करने। फॉर एग्जांपल अब जैसे ग्लोबलाइजेशन की उसने बात की हुई थी, तो इसका कंटेंट देख लेते हैं कि इसके कंटेंट में क्या क्या है। ये इसके कंटेंट है, इंट्रोडक्शन में इसने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात की है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्म हुई और फिर ये इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह ट्रांसफॉर्म हुई। उसके बाद इसकी थ्योरीज वाला इसने सेक्शन बताया जिसमें रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म की सारी इसकी थ्योरीज इसमें इसने डिस्कस की है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन और थ्योरीज का रिलेशन बताया कि किस तरह इसका इम्पैक्ट थ्योरीज का ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और फिर जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें इसने डिटेल में पूरे ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर को डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल रिलेशंस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट बनता है। उसके बाद एवोल्यूशन वाला पूरा चैप्टर है, इंटरनेशनल सोसाइटी किस तरह इवॉल्व हुई है। अब आईआर में ज्यादातर जो कंसीडर किया जाता है, जो मेजर कॉर्नरस्टोन है एवोल्यूशन का, वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया माना जाता है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एक इवेंट हुआ था हिस्ट्री में जहां से इंटरनेशनल सोसाइटी है जो इवॉल्व होना शुरू हुई थी, जिसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो स्टेट्स की सॉवरेनिटी का था, मतलब जो कॉलोनीज थी या जो एम्पायर्स होते थे पहले
उन्होंने फिर स्टेट्स को सॉवरेन कर दिया था और पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक नहीं करेगी वो अपने इंटरेस्ट के लिए। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद से जो इंटरनेशनल सोसाइटी थी वो इवॉल्व होना स्टार्ट हुई थी। इसमें फिर ये सारी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, एंशियंट वर्ल्ड में कौन सा सिस्टम था, फिर क्रिश्चियन का क्या सिस्टम था, क्रिश्चियन की सोसाइटीज किस तरह चलती थी, यूरोप में क्या सिस्टम था, रोमन एम्पायर किस तरह डोमिनेट कर रहा था, या इस्लामिक ऑर्डर कौन सा था, उसके बाद फिर मॉडर्न सिस्टम की किस तरह इमरजेंस हुई, ये सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर के अंदर कवर होंगी। उसके बाद ये पूरी 1900 से 1999 तक जितने भी इवेंट्स हैं ये चैप्टर 3 के अंदर ये कवर कर रहा है, जिसमें एम्पायर्स का आ जाएगा, वर्ल्ड वॉर आ जाएगी और कोल्ड वॉर आ जाएगी आपकी। उसके बाद पोस्ट कोल्ड वॉर इरा जो है सोवियत यूनियन के बाद क्या इम्पैक्ट्स थे दुनिया के ऊपर, यूरोप का राइज हुआ, डिक्लाइन हुआ, क्या हुआ, वर्ल्ड ऑर्डर क्या था, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होंगी। उसके बाद फिर उन्होंने डिटेल में थ्योरीज का अलग से चैप्टर दिया हुआ, जिसमें रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारी थ्योरीज आपकी इसके अंदर कवर होंगी। अच्छा, इन बुक्स का फायदा यही है कि इन्होंने ये न्यूट्रल बेसिस के ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट्स इसमें दिए हुए हैं, और जो फॉरेन ऑथर्स की बुक होती है उसका सबसे अच्छा पर्पस पढ़ने का यही होता है कि वो न्यूट्रल लेवल के ऊपर लिख रहे होते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स हमारे होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, किसी एक तरफ बायस नहीं होते और फिर कोई हमें प्रॉब्लम भी नहीं होती, और ये एग्जाम्पल्स भी साथ साथ रिलेट करते हुए जाते हैं। जो भी आप इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो इसमें आपको एग्जाम्पल्स डायरेक्टली मिलती जाएंगी कि कौन से टॉपिक में कौन सी एग्जाम्पल कौन से इवेंट के साथ फिट हो रही है, तो इसके साथ आप इजीली इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ये सारा नीचे थ्योरीज का सेक्शन चल रहा है। उसके बाद फिर वॉर्स का चैप्टर आ गया कि वॉर की डेफिनेशन क्या है, वॉर किस चीज को कहते हैं, कितनी इसकी टाइप्स होती हैं, वॉर की नेचर क्या होती है, इकोनॉमिक वॉर अलग होती है, मिलिट्री वॉर अलग होती है, ये मॉडर्न वॉर्स, न्यू वॉर्स, ये सारी वॉर्स का चैप्टर इन्होंने इधर डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। उसके बाद सिक्योरिटी वाला इसका पूरा सेक्शन है अलग, और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अच्छा, ये जो ऊपर चैप्टर्स थे इसके नीचे इन्होंने फर्दर इसको फर्दर कैटेगराइज भी किया हुआ है कि उस चैप्टर्स के अंदर फर्दर सब टॉपिक्स कौन से होंगे। तो जेंडर का ये पूरा सेक्शन आ गया इसमें, जेंडर इक्वालिटी, तो ये आपको जेंडर वाले सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ का पूरा एक इसके अंदर सेक्शन है, इंटरनेशनल रिजीम्स हैं, फिर इसके सारे अंदर ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएंगे, यूनाइटेड नेशन आ जाएगी, फिर और दूसरे जो ग्लोबल एक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। तो आप ये देखें एक बुक के अंदर इन्होंने पूरा कितना कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है कि जो भी आप सिलेबस में टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो भी टॉपिक उसके नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें से आप डायरेक्टली उस पेज नंबर या उस टॉपिक के ऊपर जाएं, उसकी थ्योरी लिखें, उसकी डेफिनेशन लिखें और जो भी एग्जांपल है वहाँ से वो लिख लें। उसके बाद फिर दूसरी बुक जो आप है, जो दूसरी बुक आप देख रहे हैं उसको ओपन करें। अब जो दूसरी बुक है रॉबर्ट जैक्सन वाली, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके कौन से कॉन्टेंट्स हैं। अब इसमें देखें आप जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वाई सी डी आई आर, इसमें आपका जो अक्सर आपने क्वेश्चन देखा होगा कि इसको एकेडमिक डिसिप्लिन कैसे कंसिडर किया जाता है आईआर को, तो ये पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है ये उसका जवाब आपको इसके अंदर से मिल जाएगा कि इसको एकेडमिक डिसिप्लिन क्यों कंसिडर किया जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ के अंदर और ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर।
उसके बाद जो इसका सेकंड चैप्टर है इसमें इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, जिसमें लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, इंटरनेशनल सोसाइटी के हवाले से आईपी और जो दूसरे इसके डिसिप्लिन हैं वो इसने इसमें कवर किए हुए हैं। उसके बाद थ्योरीज को इसने फर्दर कैटेगराइज किया है पूरे पूरे चैप्टर्स के अंदर। अब जिस तरह जैसे थोड़ी देर पहले मैं प्रोपोनेंट्स की बात कर रहा था कि हर थ्योरी के प्रोपोनेंट्स होते हैं, कुछ उसके सपोर्ट में बात करते हैं और कुछ उस थ्योरी के अगेंस्ट में बात करते हैं, तो उसके लिए हमें उन ऑथर्स को, स्कॉलर्स को कोट करना लाजमी है। तो अब इसमें जो इसने रियलिज्म के ऊपर चैप्टर दिया हुआ है इसमें इसने इसके प्रोपोनेंट्स बताए, इसमें थॉमस हॉब्स है, हैंस मॉर्गेंथो है, थ्यूसिडिड्स है, मैकियावेली, तो इनको इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो डायरेक्ट आपको कोट करने, जब भी आप रियलिज्म की बात करेंगे तो इनमें से आपको इन लोगों को कोट करना लाजमी है, क्योंकि जब तक आप इनको कोट नहीं करेंगे आपके आर्ग्यूमेंट्स में वेट नहीं आएगा। और फिर इन्होंने इसी चीज को डिफाइन किया हुआ है आगे इवेंट्स के साथ, वो यही बोलते हैं कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जितने भी इश्यूज चल रहे हैं वो स्टेट सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखती है, इसी वजह से वॉर्स होती हैं और इसी वजह से वॉर्स रुकती भी है। तो रियलिज्म में जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, जब भी रियलिज्म के ऊपर कोई भी सवाल आएगा तो उसमें हमें इन लोगों को कोट करना लाजमी है कि इनकी क्या थ्योरीज थी, इनके क्या स्टेटमेंट्स थे और किस तरह इन्होंने इवेंट्स के साथ रिलेट किया। उसके बाद इसके रियलिज्म, फिर न्यू रियलिज्म, फिर बैलेंस ऑफ पावर, किस तरह बैलेंस ऑफ पावर कॉन्सेप्ट रिलेट करता है, उसके बाद फिर इसी तरह लिबरलिज्म में आ जाएगा, फिर इंटरनेशनल सोसाइटी का इसने अलग चैप्टर दिया हुआ है। तो इसमें आपको पूरी पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां यहाँ से आपको इनके आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं कि किस प्रोपोनेंट ने किस टॉपिक के ऊपर क्या बात की है। आप हर टॉपिक के ऊपर चार चार पांच लाइंस इधर से लेंगे, चार पांच लाइंस उस बुक में से लेंगे, चार पांच लाइंस जो तीसरी बुक है उसमें से लेंगे, तो आपका अच्छा आर्ग्यूमेंट इसमें तैयार हो जाएंगे। और यही यही चीज आपको डिफ्रेंशिएट करेगी दूसरों के साथ, क्योंकि ज्यादातर लोग ये वाली बुक्स रेफर नहीं करते, या करते भी हैं तो उनका तरीकेकार जो होता है वो डिफरेंट होता है। रीडिंग करने से मामला हल नहीं होगा, इसमें से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि वही अप्रोच आप पेपर में लिख सकें। और इसके इन बुक्स को पढ़ने का पर्पस ये होता है कि यहाँ से आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट एग्जांपल्स मिल जाती हैं, उसके लिए फिर आपको कहीं और भागना नहीं पड़ता। जो जो भी हम रेफरेंस के लिए परेशान होते हैं कि हम रेफरेंस कहाँ से दें, तो सारे रेफरेंसेस आपको इन बुक्स में से ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का चैप्टर दिया हुआ है इसने, यहाँ से आप इसकी डिबेट्स और जो इवेंट्स हैं यहाँ से आपको आराम से एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे यूएस हेजेमोनिक स्टेबिलिटी और किस तरह फिर चाइना इसको काउंटर कर रहा है, रशिया की क्या पॉलिसीज हैं, फिर और फिर साउथ एशिया में जो सीपैक जिस तरह से काम कर रहा है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा, पाकिस्तान किस तरह रीजनल पावर बन सकता है, किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी जो जो है स्टेबलाइज हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी हम आर्ग्यूमेंट या जो भी अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही हमें उसके वर्ड्स यूज करने होते हैं, जिसको हम जार्गन्स कहते हैं, मतलब कि हर सब्जेक्ट के अपने स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पावर है या रियलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो हम जब पेपर में लिख रहे होते हैं तो हम ज्यादातर क्या करते हैं कि इन चीज़ों को अपने वर्ड्स में लिख रहे होते हैं और जो इस सब्जेक्ट के प्रॉपर जार्गन्स होते हैं वो यूज नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से हमारे जो है वो मार्क्स कटते हैं। तो जब भी हम कोशिश करें, जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रॉपर वर्ड्स यूज करें, जो प्रॉपर वोकैबुलरी है इन सब्जेक्ट्स की वो यूज करें, तो इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे आएंगे। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी का पूरा चैप्टर दिया हुआ है इसने कि फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से किस कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, किस तरह फॉरेन पॉलिसी कोई भी कंट्री फॉर्मुलेट करती है और उसके फिर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। अब एंड्री वुड की भी देख लेते हैं, इसमें आपको सारे वही चीजें मिलेंगी लेकिन फायदा क्या है कि इसके भी आर्ग्यूमेंट्स उनसे डिफरेंट होंगे, एग्जांपल्स डिफरेंट होंगे, तो ये कि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक्सपेंड होते रहेंगे,
वो ब्रॉडर होते जाएंगे। तो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 आर्ग्यूमेंट्स किसी एक टॉपिक के ऊपर पढ़े हुए हैं तो पेपर में उनमें से आप 3 से 4 ही लिख पाएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़े ही 3-4 हैं तो फिर पेपर में आप सोच लें क्या लिखेंगे। तो ये फ़ायदा होता है, और ज़्यादा पढ़ने की इम्पोर्टेंस इसीलिए कहा जाता है कि जो जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ही अच्छा इम्पेक्ट आपका पेपर में होगा। एंड्री हेवुड की ये बुक है जिसमें इन्होंने हिस्ट्री और करंट इश्यूज को रिलेट किया है, जिसमें आप जो फर्स्ट पार्ट था आईआर का, किस तरह सोसाइटी इवॉल्व हुई और क्या एलिमेंट्स होते हैं नेशन स्टेट के, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं किसी भी नेशन स्टेट सिस्टम के, इनकी डेफिनेशंस क्या है, ये सारी इसके अंदर चीजें डिस्कस की गई हैं। चैप्टर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सारे, चैप्टर 2 में इन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया जिसमें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। चैप्टर 3 में सारी वही थ्योरीज हैं, चैप्टर 4 में ग्लोबल इकोनॉमी, चैप्टर 5 में फॉरेन पॉलिसी, चैप्टर 6 में सोसाइटी इन ग्लोबल एज मतलब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर सारी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप देखें इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है उसमें भी 3 से 4 टॉपिक्स या 3-4 नहीं तो 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स या आईआर से लिए गए होते हैं। तो ये चीज़ें आप जब उस पेपर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खुद अंदाज़ा करें कि आपको फिर कितना लेवरेज या कितना एज मिलेगा दूसरे कैंडिडेट से। और ये सब्जेक्ट इसीलिए रेफर भी किया जाता है क्योंकि इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हर पेपर में आपको हेल्प करते हैं। ये एग्जांपल्स आप जब उधर कोट करेंगे इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर या पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर या करंट अफेयर्स के अंदर तो डायरेक्टली यही इम्पेक्ट जाता है कि भाई बंदे ने पढ़ा हुआ है, इसको पता है सब्जेक्ट के बारे में, तो फिर चांसेस जो हैं वो फिर कम से कम होते जाते हैं कि वो आपके मार्क्स फिर काटे। उसके बाद कल्चरल चैलेंजेस इसमें आ जाते हैं, जैसे इस्लाम एंड वेस्ट है या वेस्टर्न सोसाइटी और ईस्टर्न सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। तो 1-2 क्वेश्चंस आपके इस्लामिक स्टडीज से भी तैयार हो सकते हैं इधर से, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होता है ये कभी आईआर में भी पूछ लेता है और कभी इस्लामियात में, तो खैर इसका पूरा एक सेक्शन है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद वॉर एंड पीस का पूरा इन्होंने चैप्टर दिया हुआ है। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जिस तरह हम सिलेबस में देख रहे थे उसमें आप देखें सारी चीज़ें जो भी इनकी ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, और किन किन बेसिस के ऊपर, किन वजूहत के ऊपर ये ट्रीटीज की जाती हैं वो यहाँ पे इसने सारे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ और जो भी हमारे कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं वो इसके अंदर फिर सारे इसने कवर किए हुए हैं। इसमें जेंडर भी आ जाएगा आपका, सोशियोलॉजी के भी इश्यूज आ जाएंगे, टेररिज्म, करप्शन या सोसाइटल वेलफेयर, ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी में भी ओवरलैपिंग है आईआर में भी और पाकिस्तान अफेयर्स में भी। तो इस तरह जब इन चीज़ों को आप करके सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चलेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे तो ही फिर तैयारी में मजा आएगा, और इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। स्मार्ट स्टडी और कोई नई चीज़ नहीं है, यही स्मार्ट स्टडी कहलाती है। तो इस तरीके से आप आईआर को प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, रेफरेंसेस के लिए आप इसमें देखें, इन्होंने एंड में एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जिस तरह आप इसको कोट कर सकते हैं। स्टार्ट में इनके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके एंड में इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि किस तरह जो जो इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में उसका क्या इम्पेक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो यहाँ से आपको सारे एग्जाम्पल्स एक ही जगह पर आराम से मिल जाएंगे, कहीं भी आप इसको फिर उठा के कोट कर सकते हैं, कहीं भी इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये यहाँ से इसका ये मसला भी सॉल्व हो जाता है। और हर चीज की इन्होंने इधर एग्जांपल दी हुई है, वॉर्स का अलग सेक्शन दिया हुआ है, ग्लोबल एक्टर्स का इन्होंने अलग सेक्शन दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस का इन्होंने अलग सेक्शन दिया हुआ है और जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं उसका अलग सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से इसीलिए आप
कोई भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आराम से एग्जाम्पल्स लेकर कोड कर सकते हैं। ये सारे आप इधर कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो ये था इंटरनेशनल रिलेशंस और उसकी बुक्स की किस तरह आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक ही चीज़ जहन में रखनी है जो इसमें हम मार्क्स गेंस कर सकते हैं, जो टॉपिक जिसके ऊपर भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, उसके ऊपर कंप्लीट हमारी ग्रिप होनी चाहिए, उसको उसके आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होनी चाहिए और जार्गन्स होने चाहिए, जो वर्ड्स हैं प्रॉपर उस फील्ड के, उस सब्जेक्ट के आप प्रॉपर वर्ड्स यूज करें, तो इंशाल्लाह फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए ये इतना काफी है, फिर इंशाल्लाह बाकी चीजें जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि नोट्स किस तरह बनाने हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, कि इन टॉपिक्स के ऊपर किस तरह हम नोट्स बना सकते हैं जो जिससे हमारा टाइम भी बचे और इफेक्टिवली हम उसको कम टाइम के अंदर प्रिपेयर कर सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।